लेबनान का हिजबुल्ला समूह इसराइल के लिए गले की वह हड्डी बन गया है जिसे नेतन्याहू ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि हिजबुल्ला हमास से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। लड़ाके हर दिन और हर घंटे इसराइली एयरस्पेस में घुसकर हवाई हमले कर रहे हैं। इससे उत्तरी इसराइल में जमकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लड़ाके ड्रोन हमलों रॉकेटों से उत्तरी इसराइल के हर कोने को दहला रहे हैं। फिलिस्तीनियों के समर्थन में हिजबुल्ला लगातार हमास का समर्थन कर रहा है। इस कड़ी में लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने प्रमुख इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमलों की सीरीज शुरू की। इसके चलते कटसाविया बैरक में गोलान के 210वें डिवीजन के 7वें बख्तरबंद ब्रिगेड का मुख्यालय भी जद में आया। हिजबुल्ला के सैन्य मीडिया ने बताया कि हमलों ने इजरायली अधिकारियों और सैनिकों की चौकियों को टारगेट कर निशाना बनाया। इस दौरान लड़ाकों ने बेहद सटीक हमलों को अंजाम देकर दुश्मन खेमे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे इसराइल और लेबनान के बीच का तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों के अलावा ग्रेड रॉकेटों की बौछार की गई। इस दौरान मेटाट और शोमेरा बैरकों के साथ साथ पास के इजरायली असेंबली पॉइंट पर भी भीषण हमला किया। समूह ने दावा किया कि ये हमला इजरायली हमले और धायरा शहर में हत्या के जवाब में किया। इस्लामिक रेसिस्टेंस ने अपने हमलों की जानकारी देते हुए एक बड़ी सीरीज जारी की है। इसमें रामिया साइट पर भारी तोपखाने की गोलाबारी, मार्ज साइट पर रॉकेट हमले और जल अल आलम साइट पर निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया। इसके अलावा हिजबुल्ला ने गैटन में 146वें डिवीजन के मुख्यालय पर ग्रेड रॉकेटों से हमला किया। इससे पहले हिजबुल्ला ने नफा बैरक में कमांड सेंटर, यार्डन बैरक में आटरली रेजिमेंट और बख्तरबंद ब्रिगेड मुख्यालय पर भी बमबारी की। इस बीच इजरायली सेना ने बताया कि हिजबुल्ला ने पूरे दिन उत्तरी इसराइल पर करीब 115 रॉकेट और कई ड्रोन दागे। इसमें कुछ प्रोजेक्टाइल को रोक दिया गया था तो बाकी प्रोजेक्टाइल खाली मैदान में गिरे, जिससे कई जगह आग लगने की रिपोर्ट मिली। हिजबुल्ला की ओर से बार बार की जा रही बमबारी के बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है। योव गैलेंट ने कहा कि इजरायली सेना अपना ध्यान गाजा से उत्तरी मोर्चे की ओर शिफ्ट कर रही है। इसराइल हिजबुल्ला के साथ एक बड़े तनाव के लिए तैयार है। हम धीरे धीरे बदलाव के दौर में हैं। IDF ने हिजबुल्ला की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद लेबनान के एक लॉन्चर पर हमला किया। लेबनान के अंदर इजरायली हमले बहुत कम हैं। आम तौर पर घातक हमलों के जवाब में होते हैं। दरअसल लेबनान के हिजबुल्ला के साथ पिछले कुछ समय से एक बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। बीते दिनों इसराइल ने हिजबुल्ला के कई कमांडरों को ढेर कर इलाके में हलचल तेज की थी। हिजबुल्ला लगातार इसराइल को बड़े हमले की धमकियां दे रहा है। ऐसी आशंकाओं के बीच इसराइल भी युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला समूह ने बताया कि कुछ हमले सोमवार देर रात लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्ला हथियार डिपो पर IDF के हमलों के जवाब में थे। इससे पहले सोमवार को उत्तरी इसराइल पर एक विस्फोटक ड्रोन हमले में एक इसराइली सैन्य NCO मारा गया था। IDF ने सोमवार रात को टायर के पास दक्षिणी लेबनान में एक ड्रोन हमला किया था। इसमें हुसैन सुलेमान नाम का एक हिजबुल्ला ऑपरेटिव ढेर हुआ था। IDF ने सुलेमान को हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के एक अहम सदस्य के रूप में दावा किया था। IDF ने दक्षिणी लेबनान के मंसूरी और तैबेह में हिजबुल्ला रॉकेट लॉन्चरों की एक जोड़ी पर हमले किए थे, जिन्हें इसराइल में लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया था। हिजबुल्ला के बढ़ते हमलों पर इजरायली मीडिया ने उत्तरी बस्तियों में हुए बड़े नुकसान की जानकारी दी। इजरायली चैनल माकन ने कहा कि क्रियत शमोना पर चल रही बमबारी के बीच स्थानीय अधिकारियों ने इजरायली बलों की ओर से जारी गाइडलाइंस को मानने का आदेश दिया है। इसके तहत अगली सूचना तक बस्ती में रहने वाले लोगों को सेफ जोन के करीब रहने का निर्देश है।